नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 1 से 5 नंबर की हेल्प से फ्लावर का चित्र बनाना सिखाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। पहले आपको 1 नंबर की हेल्प से फ्लावर बनाना होगा। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से एक 1 नंबर इस तरह लिख दीजिएगा। 1 नंबर लिखने के बाद ध्यान से लिखिएगा, इसको हमें थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ाना होगा। इस साइड भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद यहाँ से आप इसको ऐसे डबल कर दीजिए। सेम प्रोसेस हम इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, इसको ऐसे डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद दोस्तों, आपको इधर से एक छोटा सा एक सी लेटर लिखना होगा। यहाँ से हम ऐसे सी लेटर लिखेंगे, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा। यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इधर से आप नीचे की तरफ करेंगे, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से मिलाइएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। और दोस्तों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, बस आपको ये हमें कमेंट करके बताना है हमने कौन कौन से फ्लावर का यहाँ पर चित्र बनाया है। लास्ट तक आप देखते रहिएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से नीचे की तरफ करिएगा, इसको भी हम ऐसे मिलाएंगे। और ये 1 नंबर को आपको डबल करना होगा, यहाँ से डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको इसका लिप्स बनाना होगा। इधर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, छोटे छोटे लाइन इधर आप ड्रॉ कर दीजिएगा। आगे की तरफ छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ करते जाइएगा। अभी हम इसको कलर भी करना आपको सिखाएंगे। फिर आपको बनाना है 2 नंबर की हेल्प से। देखिए, 2 नंबर आपको इधर लिखना होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। एक आप पहले 2 नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ से बढ़ाइए, इसको हम नीचे की तरफ करेंगे। इस तरह आप 2 नंबर लिख दीजिएगा। 2 नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप एक छोटा सा सर्किल बना देंगे, इसको नीचे की तरफ यहाँ पर मिलाइएगा। इधर से आप ले जाइए, अंदर की तरफ बढ़ाइए। सेम आप यहाँ पर भी रिपीट कर दीजिएगा। यहाँ से भी ऐसे ले जाएंगे, इसी तरह आपको रिपीट करना होगा, यानी कि अंदर की तरफ मिलाते जाना है। इसका भी यूज करते हुए अंदर की तरफ मिलाइएगा। एक आपको यहाँ पर भी बनाना होगा, यहाँ से भी ऐसे अंदर की तरफ करिए, इधर से करिएगा। एक बार यहाँ पर ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। नीचे के साइड से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इसको हम डबल कर देंगे। अब आप छोटे छोटे यहाँ पर लेप्स बना दीजिएगा, इधर बढ़ाइएगा, छोटी सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इधर आप छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ कर देंगे। और सर्किल के जस्ट आगे के साइड में छोटी छोटी लाइनें आपको ड्रॉ करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं 3 और 4 नंबर की हेल्प से फ्लावर आपको कैसे बनाना है। पहले आप यहाँ पर एक 3 नंबर लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान होने वाला है। 3 नंबर लिखिएगा, इधर से आप नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको यहाँ से एक बार फिर से रिपीट करना होगा, छोटी सी लाइन अंदर की तरफ बढ़ाइएगा। फिर गाइज, आपको इधर से ऐसे ले जाना होगा और इसको नीचे की तरफ हम बढ़ाएंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, इसको ऐसे अंदर की तरफ मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको एक बड़ा सा यू लेटर लिखना होगा। यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, इसको यहाँ से मिलाएंगे, हल्का सा बाहर की तरफ कर देंगे। एक छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको ऐसे डबल करिएगा। सेम प्रोसेस हम इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, इधर से भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। ऊपर के साइड में आपको एक गुलाब की पंखुड़ी बनाना होगा, एक यहाँ पर ऐसे पंखुड़ी बना दीजिएगा। नीचे की तरफ ले जाएंगे, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए इधर बढ़ाइएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, इसको मिलाइएगा। छोटी सी लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, छोटा सा लिप्स इधर भी बनाइएगा, छोटा सा हाफ सर्किल इधर बनाइए और इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद छोटी सी लाइन इधर, एक लाइन इधर बढ़ाइएगा। अब हम इसकी हेल्प से बना देंगे एक गुलाब की यहाँ पर पत्ती बना दीजिएगा। एक आपको इधर ऐसे लेप्स बनाना होगा, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर के साइड में भी कुछ गुलाब की पत्तियाँ बना दीजिएगा, इधर एक बना दीजिएगा। एक हम इधर ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ करते हुए गुलाब की पत्ती बना देंगे। तो ये हमारा 3 नंबर की हेल्प से फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब आपको बनाना है 4 नंबर की हेल्प से। देखिए, 4 नंबर आपको कहाँ लिखना है इसको ध्यान से देखिएगा। इधर से आप इस तरफ 4 नंबर लिखेंगे, यहाँ से इसको हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। 4 नंबर के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से थोड़ा सा डार्क करना होगा, इसको ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से इस लाइन को ले जाइएगा, हल्का सा अंदर की तरफ करिएगा, इधर हम ऐसे बढ़ाएंगे। सेम आप इधर भी बाहर की तरफ करते हुए इधर ऐसे मिलाइएगा।
एक आप लेप्स बना दीजिएगा बीच में, इधर ऐसे बढ़ा दीजिएगा। अब देखिएगा इस लाइन को हम डबल कर देंगे, नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे ले जाइएगा, आपको लेप्स बनाना होगा, इधर ऐसे कर दीजिए, सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। तो 3 of 4 नंबर की हेल्प से फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम सीखेंगे 5 नंबर से कैसे आपको फ्लावर बनाना है। पहले आपको यहाँ पर 5 नंबर लिखना होगा। देखिए ध्यान से करिएगा, एक लाइन आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे, फिर इसको नीचे की तरफ हम बढ़ा देंगे, इधर छोटा सा आपको ऐसे हाफ सर्कल बनाना होगा, इतना इस तरह आप 5 नंबर लिखिएगा। फिर गाइज आप बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ा देंगे, इधर से आपको छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ करना होगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमने कौन कौन से फ्लावर बनाया हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स लगा देंगे, डॉट लगाने के बाद आपको एक लाइन इधर ऐसे बढ़ाना होगा, नीचे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर आपको इधर से ऐसे बढ़ाना होगा, एक लाइन इधर भी आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये वाला सिरा इधर हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर मिलाना होगा, इधर से हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, इधर से भी आप हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए इधर बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे जैसे हम बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह आप करिए, यहाँ पर आप थोड़ा दूसरी तरफ बना सकते हैं। फिर देखिएगा इधर से आपको नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना होगा, ऐसे मिलाइए, हल्का सा वी लेटर लिखिएगा, एक वी लेटर यहाँ पर, एक वी लेटर इधर, इसको हम इधर से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए पतला कर देंगे। ऊपर के सिरे से आपको एक बनाना है पत्ती, यहाँ पे लीव्स बना देना होगा, छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ करिएगा, इधर से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा, यहाँ पर बढ़ाइए और छोटे छोटे लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं।